बीस्ट में सिकंदर की हड्डी उठाई, दो दो हड्डी उठा के भाग गया। देखो सिकंदर की हड्डी पर कब्जा कर लिया उनने। दिलबर दिलबर हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। क्या हालचाल आप सभी के, मेरे चैनल फौजी चैनल पे आपका स्वागत है और मैं नए वीडियो में भी। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी तो वीडियो को पूरा देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी पेप्सी मेरे को बोल रही है कि घुमा के ले आओ, देखो भाई कैसे बोल रही है, गेट पर खड़ी हुई यहाँ पे, तो उसको घुमा के लाता हूँ भाई, जो कि भाई बहुत ज्यादा समझदार है आपको पता ही है। तो अब इसको लेके चलता हूँ। पेप्सी रा, पेप्सी आने रा, रा उधर चल, उधर उधर। तो अब इसको वहाँ पे गेट पे लेके जाता हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे घूम लेगी थोड़ा बहुत ही, जो कि भाई हमारे डांगर यहाँ पे बनते हैं, तो अभी घूम लेने दो। इसे घूमने का मन नहीं कर रहा मेरे को पता है, क्योंकि भाई बेर बेर उधर को भाग गया। याद है देखा था भाई पहले वाले डोम की, याद आ जा भाई। उस है ना हम अपने मतलब जो बाकी रोड व्हीलर थे तीन चार, उनके साथ भाई खुला ले जाते सड़क तक, सड़क पार मतलब सड़क भी खुले पार कर रहा हूँ। और देख लो भाई कितना ज़्यादा समझदार होगा वो। और गाइस यहाँ पे बीगल पर ब्रेड नहीं खाया जा रहा, तो कूपर को देखो, कूपर खाने को सोच रहा क्योंकि भाई कूपर को बहुत ज़्यादा पसंद है ब्रेड। तो देखो भाई अभी मैं इसको दिखाता हूँ ब्रेड का पैकेट, देखो कितनी जल्दी आएगा। देखो भाई कैसा आ लिया, ले कूपर कैच। पीपो को भी खाना रख दिया और भाई स्पाइडर को भी देख रख दिया। देखो भाई अब इसके एलर्जी में भी आराम है और खा लग रहा आराम से, क्योंकि देखो आराम तक कोने में बैठे हैं सिक्का। और डोरा भी आ गई, डोरा पिस्टू भाई स्पाइडर की तरह भाई इस रसोई में बैठे लगा, मम्मी के पास आ गया बिल्कुल स्पाइडर की तरह। अभी पेप्सी को हड्डी दे देते यार, क्योंकि भाई इसको बोन ज़्यादा पसंद है, तो ले खा ले। तो है ना ऊपर ऊपर से चोट भी लग गई इसमें, है ना मैं भाग रहा था, डोरा मेरे साथ खेली थी बुरी तरीके से, और भाई इसके मुंह पर को डर लग गया भाई, बहुत का डर लग गया। तो उसने बेचारे ने मुंह ऐसे बना लिया, तो मेरे को तरस आ गया इसके ऊपर, तो मैंने इसको हड्डी दे दी बेचारे की। देखो कुछ हो चुके हैं, तो अभी ऊपर चले गए हड्डी ले गए, पूरा सांस चढ़ा हुआ। देखो भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक है भाई, घनी ज़्यादा खतरनाक है वो खोर, देख रहे स्वामी उसके ऊपर चढ़ जा, उसके ऊपर वहाँ पे हड्डी लेके बैठ चुकी है पेप्सी हमारी। और पास में जाकर दिखाता हूँ आपको, खा ले बेटा वो। अभी मैं मैगी को छेड़ के दिखाता हूँ भाई साहब, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, फूक मारे पता मुँह पकड़ लिया। ए मैगी उड़ा, मैगी उड़ा पूरा, और अभी तो उस पर रूफ सारा भाई, देखो पप्पी वगैरह तो सब जा लिए, अभी ये फूलना स्टार्ट हो रही है। ए मैगी उड़ा उड़ा बेटा उड़ा उड़ा, वो हाथ पे पता नहीं क्या लग गया। एरा मैगी मैगी उड़ा। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूँ भाई, इसके है ना नॉट पे भाई डस्टी ने अटैक कर दिया। देखो यहाँ पे नॉट पे निशान देख रहे हो आप, कितनी ज्यादा कड़ी ग्रिप लगाई थी। अभी मैं सीन आपको बता देता हूँ भाई मैं क्या हुआ था इसके साथ में। डस्टी को हम जब खोलते हैं जब सभी डॉग बंद हो, ठीक है, खासतौर पे अमेरिकन बुल के मेल को कुछ नहीं बोलते हो, और नए रोटुलर के मेल और फीमेल को बोलते कुछ है। तो उस दिन मेरी बहन ने भाई ऐसे खोल दियो, और जो कि भाई मैगी खुली हुई थी और बाकी सारे डॉग्स बंद थे, तो है ना मैगी रसोई में बैठी हुई थी जहाँ पे चावल वगैरह धर रहते हैं, रात का टाइम था वैसे, तो मैगी वहाँ पे बैठी हुई थी। और एकदम से डस्टी सीधा खुल के आए वहाँ से पिंजरे के वहाँ से, और एकदम से मुड़ गए भाई, उसने ये नहीं देखा क्या आया क्या नहीं, और सीधा आते ही मुँह पकड़ लिया मैगी के, घंटे पकड़ लिया, जैसे टाइगर ने पकड़ता है यहाँ से पकड़ के दबोच देता है, बस ऐसे ही करते भाई। और ये मैगी खैं खाँसी बोलने लगी और एकदम से आ गया ऊपर, और शुक्र है भाई इतने कड़े ग्रिप नहीं लगा पाई थी वो, थोड़ी देर में गया लटकी, और थोड़ी देर के लोगो लगा था देख लो, और कितना ज़्यादा जख्म कर दिया। अगर वो लोगो लगा लेते ना वो अपने मतलब जैसे वो ग्रिप लगाते हैं जितनी तकड़ी वो ग्रिप लगाती है, अगर वो ऐसे लगा लेती तो बूंदा बूंदा हाल हो जाता भाई सही में। और देख लो जख्म कितना कड़ हो रहा है इसका, वो तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रोड लेके तो कह भाई पिटबुल से ज़्यादा ग्रिपिंग हो ना, बाइट रेट होता है, तो देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा कड़ी ग्रिप लगा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा शुद्धि है डस्टी, आप ये कहोगे यार कैसी है, बट आपको तो कहेगी खैर भाई अनजान आदमी को तो भाई अटैक करते हैं वो, और बाकी घर पे तो खुली रहती है किसी से कोई मतलब नहीं भाई, घनी ज़्यादा शुद्धि बिचारी। अगर आप उसे कहो ना छोटू रहा छोटू गल पूछ लगा होगी, इतने मतलब समझदार है वैसे तो, हर एक बात मानना है, बट भाई इनके साथ पता नहीं क्या हुआ, इनका क्या युद्ध हुआ इनका आपस में चिप्पो के सामने और मैगी के सामने। तुम डस्टी का नाम दे दो भाई, इनकी तस्वीर हुआ बिल्कुल। डस्टी कहाँ है, डस्टी डस्टी कहाँ है, डस्टी कहाँ है, छोटू नंते पकड़ा कर रहा है इनते और जनते फूट को पढ़ ले। ओ भाई बहुत ज्यादा तेज है भैया, दांत मारते हैं दिखाता हूँ, देखो लाल होगा ऐसे यहाँ से बहुत तेज काट है भैया। और गाइस जब भी हम बाइक पे आते हैं ना भाई, फीमेल बाइक के साथ साथ आती है गली की फीमेल आई, जो कि अभी इसको बिस्किट खिलाएंगे भाई। और अभी भाई सारे के सारे बिस्कुट खा लग रहे हैं, क्योंकि पापा ड्यूटी पता है बिस्कुट लेकर आए। देखो भाई सारे कैसे लग रहे हैं, मैक्स ये रहा मैक्स या पेप्सी, और वो रहा डोम हाथी छोटा हाथी यानी पिया ओडी या डोरा, वो मैगी और सिकंदर ये रहा सिकंदर। और गाइस अभी हिप्पो के पप्पे देखो भाई गोलू मोलू कैसे लग रहे हैं, कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं भाई। देखिए मोटा हिप्पो का मोटा, और भाई ये हिप्पो की फीमेल है वाइट कलर की, और एक एक बीच में जो है ना ये भी एक फीमेल है पीछे सिकंदर के जैसे। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, जो कि पप्पी का ओपन हो चुकी है भाई, हिप्पो की जो मोटी है देखो भाई कितनी ज़्यादा क्यूट है भाई, देखो
अभी देखो उसकी एक आंख की ओपन हुई, दूसरी तो थोड़ी बंद है, और बाकी आपको सिनेमेटिक शॉट आपको दिखाता हूँ उसका। और गाइस देखो सिकंदर भाई, सिकंदर तो बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है भाई पप्पीज का, देखो भाई कैसे लाड कर रहा है सिकंदर। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था भाई, पेप्सी अपने मतलब जो रोड के पप्पी है उड़ी के पप्पी उनका लाड नहीं करती, इनका लाड ज्यादा कर रहा है। देखो भाई कैसे लाड करवा रही है, मुंह चाटता है इसका। देखो पेप्सी के लाड देखो आप बस, और सिकंदर वगैरह मैगी वगैरह भी लगे पड़े देखो इसके साथ। स्पैडर को देखते हैं इसके साथ कुछ करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि भाई बहुत दिन हो गया करे। आज स्पैडर मार्स लेकर मार्स लेकर मार्स मारे इसके मार्स के लग जा, चल 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 शाबाश आ तेरे चीता दे। देखो भाई आगे जान से तो आगे इसमें चल चल इसू चल 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 मेरे पास आ गया। अरे चल मैं मेरे पर आकर काम दिल भर दिल भर चल 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 व्यूज आ रहे के वीडियो पे ज्यादा चल चल अबे साले चल चल जा जा, जा कर तो कुछ रहा नहीं पर ज्यादा खुश हो गया वो। हट जा हट जा मुंह खाओगा हट जा चल इस पर चल टेक्निक का पड़ा। अच्छा पलटू समय अच्छा नो गया पलट दे चल पलट दिया। ओहो लग गया भाई दिल भर दिल भर दिल भर दिल भर अभी तो लगे नीचे दबक रहा हूं। चल 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 बेटे चल 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 कहां गया स्पाइडर, वो तो भाई भीतर भाग गया। कितने ज्यादा राश है वो, एक कोको की एक आंख है ना भाई, देखो लीली होगी देखो कोको दे कोको देखो भाई लेफ्ट साइड बड़े अलग आपको दिख रही होगी। फीवर के चांस होते हैं, बाकी इसको दवाई वगैरह देगा डॉक्टर से पूछ के। वैसे हमें तो भाई दवाई का पता है बट भाई फिर भी एक बार डॉक्टर से थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेनी जरूरी होती है। उसके आज दिखा तो कोको रुक रुक जा, आप तो उतारा भाई मुंह नहीं पकड़न देती उड़ा कोको रुका नहीं रुक जा। तो भाई वैसे तो भाई हमने इसको मोक्षिकांड दे दी, बीस्ट में सिकंदर की हड्डी उठाई दो दो हड्डी उठा के भाग गया, और सिकंदर ने भी रात पे झपट्टा मार लिया भाई देखो दो दो हड्डी उठा के भाग गया। भाई छोड़ दे इसकी बिस्टू छोड़ दे भाई देखो भाई सिकंदर की हड्डी पर कब्जा कर लिया उनने भाई, सबसे लगे भाग गया ऊपर ताकि इसकी हड्डी कोई ना उठा सके। और देखो भाई सबसे चल ऊपर भाग जा ऊपर ऊपर भाग जा, नहीं जा भाई नहीं बैठ के खाओ, मैं सोच रहा मैं यहीं पे बैठ के खा जाऊँ चल खा ले चल खा ले। तो भाई हमारे पास एक भाई आ रहे हैं जिनको आप जानते भी होंगे, देखो भाई सार्थक भाई और ये भाई है हमारे, और जो कि इनके चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आप जानते होंगे इनको, और जो कि हमारे गाँव में ही आए थे। वैसे मैंने यहाँ पे जिम में बुलाए थे, यहाँ पे ये जिम वगैरह मैं यहाँ पे जिम मार रहा था। और गाइस इस भाई ने है ना आर्यन कंडारी को चैलेंज किया था बट भाई उसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसका हाथ देख कर डर गया भाई कि इतना मोटा हाथ है ना इसका, तो वो भाई इसका हाथ देख तो डर गया था, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया वो। ये भाई उसे हरा देता भाई सेकंड के हिसाब से हरा था, क्योंकि भाई भाई में पावर बहुत ज़्यादा है देख सकते हो भाई, मेरे पर गिर नहीं रहा पूरे अंगे लग रहे थे इस भाई ने, पूरे मतलब अपना 15% ही अंगे लगाए थे देख लो। तू भी करेगा ना भाई? A few moments later. The next day. Just अभी ऊपर चलते हैं, जो कि भाई मैं सोको उठा डंगर डूंगर बांध गया और आँख वगैरह सूज रही थी, तो अभी कोको को दवाई देते हैं भाई जिससे उसकी आँख ठीक हो जाए। आज दो दिन हो लिए उसे, मैं आपको उसके टैबलेट दिखाता हूँ। और गाइस ये भी टैबलेट जो कि भाई ये एसीलोक है, एक तो एसीलोक 250 mg जिससे लगे एक डॉक्सी 100 भी है भाई। इंस्टाग्राम की रीच भी डाउन जा चुकी है, 5 मिलियन से 3 मिलियन हो चुके हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि डेली दो रील्स में डाला करूँ, तो इसी वजह से आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि मैं डेली का अपडेट डालता रहता हूँ वहीं पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको उसका ऐसा अपडेट मिलता रहे, मेरे लॉन्ग वीडियो आप देखते रहो व्लॉग वगैरह आप देखते रहो, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं इसको भाई, एक आँख से दिखता है वैसे तो, बट थोड़ा कलर चेंज हो रहा है जो कि भाई टिक फीवर के चांस होते हैं, और जो कि भाई बहुत ज़्यादा हैवी थी कवर कर गई और हमें पता भी लगा इसको टिक फीवर है भी नहीं भी है, तो डॉक्टर से बात करी डॉक्टर ने बताया भाई कि फीमेल होती है ना वो टिक फीवर को झेल जाती है जो हैवी होती है, अगर कोई सूखी मतलब थोड़ा समझ रहे हो आप भाई स्लिम अगर हो मतलब पतली हो फीमेल वो कवर नहीं कर पाती, मतलब बहुत जल्दी मतलब बीमारी को पकड़ लेती है, तो भाई कोको बहुत ज़्यादा हैवी थी तो सर्वाइव कर गई। मैं हैरान हूँ क्योंकि भाई इसका वेट लॉस हो गया था, तो मुझे पता लग गया भाई किस कारण इसका वेट लॉस हुआ, जो कि भाई टिक फीवर के कारण इसका वेट लॉस हुआ है थोड़ा, इसने हमें पता भी नहीं चलने दिया क्योंकि भाई एक तो घनी ज़्यादा आफत उतारती है तो पता ही नहीं लगा भाई बीमार है नहीं भी है ठीक, तो हमको पता नहीं लग पाया कि इसको टिक फीवर हुआ है नहीं हुआ। कल तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, जो कि भाई कल सुबह मैं वैसे तो मैं 6 बजे उठ गया था, उठ तो मैं पहले गया था रात को 2 बजे भी उठ गया था भाई 6 बजे भी उठ गया था, तो ना 6 बजे उठ कर मैं डंगर बंधे
तो ना फिर मेरे पे उठ ही नहीं गया भाई, क्योंकि आंखों के ऊपर दर्द हो गया था, पता नहीं क्या हो रहा भाई, गिरने आ रही थी कल, तो पूरे दिन मुझे गिरने आई, फिर दोपहर में मैं दोबारा फिर सोया, फिर मेरे को रेस्ट मिला थोड़ा सा, तो मेरे को मतलब पूरा ठीक होगा मैं, कल तो मैं फिर जिम में भी गया था, फिर पंजा वगैरह लड़ाया। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देख रहे होगी, देखो भाई मगू को मैंने आर के वो मारी थी, तो देखो भाई कैसे निशान होगा, अब तो भाई पेड़ सो गए, बहुत ज़्यादा लील पड़ रहा है इस पर, पेड़ भी हो रहा है, लील भी पड़ रहा है। वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।